मैंने पहले आपको ये नहीं बताया था, ये केस काफी सीरियस था। पेशेंट के पेट में से ऑलमोस्ट सारा पानी बाहर निकल गया था और बेबी को ब्रीद करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। अगर पेशेंट को सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लाया गया होता तो हो सकता था बेबी पेट में ही। इट वॉज गुड ऑफ योर ब्रदर टू ब्रिंग हर हियर ऑन टाइम। वैसे वो है कहाँ? कौन? वही जो पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आए थे। Where is that gentleman? वो एनीवेज आप लोग बाहर जाके सेलिब्रेट कीजिए, यहाँ कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। मैं पेशेंट को देखती हूँ, बेबी को केयर रूम में रखा है, ही नीड्स ऑक्सीजन। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अगर प्रीतम अमृता को सही समय पर नहीं लाता तो हमने बेकार में उसे इतना सुना दिया। पर कहाँ गया वो? चला गया होगा किसके? ओ नहीं नहीं, ऐसा बंदा कभी किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। ओए अंगद कबीर, जरा जाकर देखो, वो यही गई होगा बाहर। और सुन, उसको बता दियो कि हमारी अमृता ने करण को जन्म दिया है। वो उसका मन हल्का हो जाएगा। मैं अभी बाहुजी को खुशखबरी देता हूं। यार एक बार देख कर आना, देखना डिलीवरी हुई कि नहीं। यार वो लोग फिर भड़क जाएंगे। अरे भड़क जाएंगे तो तू झापड़ खाली होना, पता तो चलेगा कि वो कैसी है। जाना यार, देख अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा तू बैठ, मैं देख कर आता हूं। जल्दी जा, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। वो रहा प्रीतम। अरे प्रीतम प्यारे, इट्स अ बेबी बॉय, हम लोग चाचा बन गए। ऐसे क्या देख रहे हो प्रीतम प्यारे? अरे लड़का हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी, अभी भी ठीक है। राहुल, राहुल, राहुल नहीं, हमारे करण भाई, हमारे करण भाई वापस आ गए। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त। अगर तुम भाभी को टाइम पर ना लाते ना तो अब तो डांस कर ही सकते हैं। कहाँ डॉक्टर आसपास? चल लो। होय होय, अरे आ जाओ यार। प्रीतम प्यारे, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाई बहुत खुश हूँ। एंड प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे आप तुम लोगों को क्या हुआ? ओ भाई लोगों, तुम खुश नहीं हो गया? अरे उड़ो पलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। होय 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 होय। हाँ राठी करो बोल। देख मैं आज बहुत खुश हूँ, उससे बाद में बात करो। अरे तेरा ही बच्चा हुआ है क्या जो इतना खुश हो रहा है? इधर उधर देखना छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। जो तूने मुझे डबल क्रॉस किया है ना नकली आरडीएक्स देके, तो तूने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है।
जानी दुश्मन। देख राठी, तुझे गलत फहमी हुई है, वो RDX असली है। एक और झूठ ना चलेगा प्रीतम चौधरी, जिस अस्पताल के बाहर खड़ा होकर तू जश्न मना रहा है ना, उसके अंदर मेरे आदमी फैले हुए हैं। हॉस्पिटल मेरे कब्जे में है, जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं। तो मेरा RDX मुझे लौटा दे, नहीं तो सबको खत्म कर दूंगा, सबको। समझ रहे ना? तो सबसे पहले तो वो औरत मरेगी, उसके बाद उसका बच्चा मरेगा, और फिर तू। ए राठी, बस तेरा झगड़ा मुझसे, तो मुझसे मर्द बन के लड़। एक मासूम बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, तेरा उससे क्या सरोकार? अरे एक विधवा औरत जो तुझे जानती तक नहीं, उससे तेरा क्या लेना देना? मेरा तो उससे तो लेना देना है प्रीतम चौधरी, और तेरा जिससे भी रिश्ता होगा वो मेरा दुश्मन है। लौटा रहा है मेरा RDX, मार दो दोनों को। ए राठी, उन मासूमों का हाथ भी लगाया लाकर तो तुझे जान से मार दूंगा। तुझे अभी एहसास भी नहीं हुआ है कि खेल शुरू भी हो चुका है। कौन सा खेल? जब तू घर से निकला था ना, तभी से मेरे आदमी तेरे पीछे लगे थे, जब चाहते गोली निशाने पे लगा सकते थे। वो तेरे आदमी थे। और अभी भी तू, वो औरत भी और वो बच्चा भी, ये सब मेरी नजरों में है। हम कुछ भी कर सकते हैं जब चाहें। क्या हुआ? राठी और उसके आदमी अस्पताल में। क्या है? अरे प्रीतम मेरे भाई, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? और ये राठी कौन है? नहीं राठी, मेरा एक क्लाइंट है। ओ, सब पला चंगा? हाँ सब ठीक। आओ चलो तुम्हारे भतीजे को देखते हैं। अरे हाँ हाँ यार, मम्मी पापा भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। भाभी, भाभी, अमृता, अमृता। एक्सक्यूज मी, आप अमृता भाभी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। हटिए। कम से कम बच्चे को तो दिखा दीजिए। पीछे हटिए, अभी नहीं देख सकते। ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप सिस्टर? हम बच्चे के दादा दादी हैं। हाँ लेकिन अभी इन्फेक्शन का खतरा होता है। हाँ आई गेस बेबी को स्टरलाइज रूम में रखना होता है। हाँ हाँ हाँ, आप लोग प्लीज वेट कर लीजिए, पेशेंट के होश में आने के बाद हम लोग बुला लेंगे आपको। मम्मा सही कह रहे हैं, ले जाने दीजिए उन्हें। प्रीतम पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? बाहर बैठे खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। हमें लगा आप चले गए। जी नहीं, मैं बाहर ही था। आप सबको बहुत मुबारक। पुत्र, थैंक यू वेरी वेरी मच। सॉरी यार, गुस्से में हम पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल गए। हालात ही कुछ ऐसे थे और हम सब बौखलाए हुए थे। माफ कर दो हमें। आज अमृता पुत्र और हमारे पोती की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से बच पाई है पुत्र। बहुत बहुत शुक्रिया।
अमृता जी ठीक है? हाँ हाँ वो ठीक है, हमने अभी उनको देखा था। बहुत गुस्सा आ रहा था आप पर जब आप भाभी पर चिल्ला रहे थे, लेकिन भाभी और बच्चे को बचाकर आपने हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया है, उसके लिए थैंक यू। क्या बात है प्रीतम पुत्र, तुम यहां वहां किसे ढूंढ रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं वो असल में इतनी गुड न्यूज मिली है, मैं खुशी से बौखला गया। अरे यार अरे इसमें बौखलाने वाली क्या बात है, ये तो खुशी का मौका है और बल्ले बल्ले वाला। प्रीतम प्यारे बाहर बैठ कर तो तुम बहुत नाच रहे थे, अभी घबराने की एक्टिंग कर रहे हो? सॉरी ये कौन है? आप लोग जानते हैं इनको? अरे इसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये मीरा है अंगद की। वो याद है ना वो छत पे बताया था? क्या बताया था तूने? मम्मी प्लीज अभी ये सब नहीं। इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। नितिन लाठी की धमकी झूठी नहीं है, मुझ पे रास्ते में गोली चलाने वाले में उसी के आदमी थे। ये अमृता जी और उनके बेबी की फाइल है, अब हम इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जनरल वार्ड में तो भाभी शिफ्ट हो गई है ना? नहीं कौन करेगा, मैं तो ये फाइल्स बना रही थी। मतलब आपने लिखी गई थी उनको? नहीं पर एक वार्ड बॉय और नर्स आए थे, वो लेकर गए हैं उसे। उन्होंने कहा था कि बेबी को स्टरलाइज रूम में रखना है और पेशेंट को जनरल वार्ड में रखना है। इन पेशेंट को तो अलग रूम में रखा था और हॉस्पिटल के लेबर रूम में मेल स्टाफ अलाउड नहीं है। कौन ले गया अमृता भाभी को? कौन ले गया हमारी अमृता को? लेकिन सिस्टर वो नर्स तो बच्चे को भी उठाकर लेकर गई साथ में। हाँ तुझे अभी एहसास भी नहीं हुआ है कि खेल शुरू भी हो चुका है। देखिए हो सकता है कि कोई दूसरा स्टाफ लेके गया हो उनको जनरल वार्ड में। ये जनरल वार्ड कहाँ है? हाँ जी सर। देखिए आप लोग घबराइए मत, मैं जाके देखता हूँ। मैं भी आता हूँ। मम्मी पापा आप यहीं रुको। हाँ देखो तुम्हें। हाँ बेटा कहाँ लेकर गए होंगे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।